दोस्तों, बालिका वधू एक ऐसा टीवी सीरियल है जिसके हर एक किरदार को दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार दिया। इस सीरियल में नजर आने वाला हर एक किरदार काफी फेमस हो गया और ऐसा एक किरदार था इस सीरियल में आनंदी के पिता का, जिसको दर्शकों ने अपना प्यार दिया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस सीरियल में चैतन्य अदिब ने आनंदी के पिता का किरदार निभाया था और अपने इस किरदार के जरिए ये फेमस भी हो गए थे। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको चैतन्य अदिब के बारे में नहीं बल्कि उनकी पत्नी के बारे में बताएंगे। अगर आप भी इनकी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ ही चैतन्य अदिब के शानदार अभिनय के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैतन्य अदिब का जन्म 10 नवम्बर 1971 को मुंबई में हुआ। इनको हमेशा से ही एक्टिंग का काफी शौक था, जिसकी वजह से इन्होंने मुंबई के एक एक्टिंग स्कूल से अभिनय सीखा। उसके बाद इन्होंने टीवी सीरियल 7 फेरे से छोटे पर्दे पर एंट्री ली, जिसमें इनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। लेकिन इनको खास पहचान मिली टीवी सीरियल बालिका वधू से, जिसमें आनंदी के पिता का किरदार निभाते हुए नजर आए। अपने इस किरदार के जरिए इनको एक खास पहचान मिल गई। दूसरी ओर ये हॉरर टीवी शो आहट में भी नजर आ चुके हैं। इन दिनों चैतन्य को कलर्स टीवी के सुपरहिट पौराणिक सीरियल राम सिया के लवकुश में देखा जा रहा है। इस सीरियल में इनके किरदार को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। लेकिन बात अगर इनकी पत्नी की करें तो इनकी पत्नी का नाम दीपा है, जिनके साथ इन्होंने 2007 में शादी की। इनकी पत्नी देखने में बड़ी खूबसूरत नजर आती है, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। लेकिन इनकी पत्नी छोटे पर्दे से दूर रहती हैं। भले ही इनकी पत्नी एक हाउसवाइफ है, लेकिन खूबसूरती के मामले में छोटे पर्दे की अभिनेत्रियों को भी टक्कर देती है। तो दोस्तों, आप सभी को चैतन्य अदिब की पत्नी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।